जी कुछ आयो इसमें हम थोड़ा सा आपको जो है वो बताने लगे करेक्शंस का और थोड़ा सा बताएंगे आपको प्रेसी का, उसके बाद थोड़े काम्स रह जाएंगे आप। छोटी सी लाइव स्ट्रीम का, इसको आप जल्दी ज्वाइन कर लें सुबह, इंशाल्लाह बाकी करेंगे हम। जी थ्री आ गए, इसमें हम आपको बताने वाले करेक्शंस बहुत बहुत आसान है, बहुत इजी है, जल्दी से देख लें इसको आप टाइम को ज़ाया किए बगैर। जी बच्चों जी स्टूडेंट्स जल्दी आ जाएं। जी बच्चे कहाँ पे हैं? अब लाइव स्ट्रीम में कोई आ नहीं रहा, इसके बाद फिर वो जी बच्चों अब जो आ गया ठीक है मैं करवा देता हूँ। इसमें एक्टिव पैसे भी करेंगे वो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये छोटी सी लाइव स्ट्रीम में हम आपको चीज़ें सिखाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ बच्चों देखना जरा। ये जो है ना ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जो मैंने आपको करवाए ना, ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। ये आपको पांच नंबर के आने हैं। अब बच्चे ये कह रहे हैं डू एज डायरेक्टेड, वो दूसरी चीज़ है बच्चों, वो ये है ये वाला पार्ट डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। ये जैसे कि क्वेश्चन आया दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, कहेगा कि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करें, इसको जो है पॉजिटिव में करें, इस तरह का पॉइंट आउट द मूड,
इसमें बताएं कौन सा मोड है, ये मैं बताने लगा ये बहुत आसान है, सिंपल है। अगर ना बता सका तो इसकी वीडियोस बना के आपको सेंड कर दूंगा। जैसे मैंने अभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच की भेजी है, वो एक सवाल आपको लाजमी आना, 5 नंबर का फ्री है। फिलहाल मेरे पास करेक्शन है। करेक्शन का सबसे मेन चीज़ होती है कि अगर आपको टेंस आते हैं ना, टेंस अगर आपको आते हैं तो फिर करेक्शन आप ही करना मुश्किल नहीं होता है। ये वही है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में किए हैं ऑब्जेक्टिव्स में, ये आपको लाजमी आते होते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ें लिखा लिखा हुआ अ रोलिंग स्टोन नो मॉस। ठीक है, ये आपने एक मामला सुना हुआ है कि जो जगह बदलते रहते हैं वो कभी भी मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन प्लीज़ बता दी है। तो ये सारा फिक्रा सही है, सिर्फ इसमें ये क्योंकि एक मुहावरा है, इसका जब करेक्शन करेंगे ये आएगा और रोलिंग स्टोन। अगर तो आपने इडियम्स याद किए हैं इसके साथ गैदर्स एस लगना है, नॉमोस। ठीक है, इसकी सिर्फ ये करेक्शन थी। अभी करेक्शन आता है, उसके बाद आपको प्रेसी का बताऊँ। प्रेसी बहुत ईजी है, वो 20 नंबर आप ईजिली गेन कर लेंगे और आपके नंबर आसान आ जाएंगे। ऐसे याद करने से आपको छुटकारा मिल जाएगा, उससे बेहतर आप कोई और चीज़ें याद कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास ये दिया हुआ होता ये था कि सेकंड ईयर में जब आपको मैंने जब करवाए थे क्या नाम है टेंसिस में, सेकंड ईयर में जब आपको एमसीक्यूज आते हैं उसमें ये होता है कि आपको एमसीक्यूज के नीचे ऑप्शन दी होती है, वो आपके लिए आसानी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं आएंगे, इसमें आपको आएगा ऐसे ब्रैकेट में वो जो पेयर ऑफ वर्ड्स जो है ना, पेयर ऑफ वर्ड्स, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। उसकी वीडियोस मैंने डाल दी है, क्योंकि वो हो सकता है 20 नंबर के आ जाए, तो 20 नंबर मुफ्त के नंबर आप ले। ठीक है, ही थैंक फॉर मी व्हाट आई डू। याद रखें, अगर आपका पहला फिक्रा, ये एक फिक्रे के दो ओपन हैं, ये कौन सा थैंक्ड है, पास्ट इनडेफिनेट टेंस में हो, ठीक है, तो दूसरे को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। ये मैंने आपको एक हिंट पॉइंट बताएंगे, ठीक है, याद रखें। अगर मेरे पास एक फिक्र है ही थैंक मी फॉर व्हाट आई डू, तो उसको क्या करेंगे, ये थैंक से पता चल रहा है ईडी लगा हुआ, ये मेरे पास क्या है, ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस में है, तो पास्ट इनडेफिनेट के दूसरे फिक्र को जिसमें उसने ब्रैकेट लगाई होगी उसको मैंने परफेक्ट में चेंज करना है। सिंपल है, ये देखें मैंने यहाँ लिखना है ही थैंक्ड, क्योंकि जहाँ ब्रैकेट लगेगी ना उसको आपने चेंज करना है, मी फॉर व्हाट पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल होता है, हैड मैंने लगा दिए तो डन इस्तेमाल होगा। इसकी फॉर्म पेयर वर्ड्स एमसीक्यू स्टाइल में आते हैं जी, एमसीक्यूज में आने। तो मैंने आपको जो वीडियोस में दिए ना वो सारे आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेने, उससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो बच्चे याद रखिए, अगर आपका फिक्रा दिया वो और एक फिक्रे में उसने पास्ट यूज़ किया हो इनडेफिनेट, तो दूसरे फिक्रे को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका क्या होता है, उसमें हैड इस्तेमाल होता है। ये जो मैं करवा रही हूँ यही करेक्शंस कौन से क्वेश्चन है, यही करवा रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको, याद तो क्लियर है। आगे लिखा हुआ ही स्टडी इंग्लिश फॉर 6 ईयर, 6 साल से वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। अब इसका हिंट देख ले, जहाँ पर फॉर, ठीक है यहाँ बता दो, जहाँ पर फॉर या सिंस का इस्तेमाल हो किसमें, फिक्रे में, इसका मतलब क्या होता है कि इस फिक्रे में हमने हैज़ या हैव बीन का इस्तेमाल करना है। ये वो हिंट है जो पहले बता दिए मैं आपको। ठीक है, याद है, क्लियर है सबको कि नहीं, इसको क्लियर है बता दें जल्दी जल्दी जल्दी। जिस फिक्रे में, याद रखें यहाँ पर लिखा हुआ ही स्टडी इंग्लिश फॉर आ जाए या सिंस आ जाए, तो उसको जब आपने सही करना है तो उसमें आपने क्या लगाना है। देखिए इसमें आपने कुछ बताया नहीं है, उसने कोई ब्रैकेट भी नहीं लगाई, मुझे पता है यहाँ पर फॉर है तो मैं यहाँ पर लगाऊँगा He has been studying, ing लगता है, studying English for 6 years। ये जब भी फिक्र आएगा याद रखें, अगर तो सिंस लगा या फॉर लगा तो आप लोगों ने हैज़ बीन लगाना है। हैज़ आप लोगों ने बच्चों लगाना है वाहिद फिक्रे के साथ, और जमा आप लोगों ने लगाना है, जमा फिक्रे के साथ आप लोगों ने
है एफ लगाना। तो ये सिंपल से हैं करेक्शन ऑफ वर्ड जो आपको आने हैं पाँच नंबर के, ये भी कर लें, ये किसी के साथ भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, जिसको क्लियर है बता दें, फिर मैं आपको अगला बताऊँ। द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। सबको क्लियर है कि नहीं? ये मुफ्त के नंबर हैं, हाँ जी। छोटी सी लास्ट में होगी, बाकी हम करेंगे सुबह का काम। अभी मैं सिर्फ मेन मेन चीज़ें बताने लगा हूँ। आप लोगों ने करना है पास्ट पेपर को भी एक दफ़ा देख लेना है, पास्ट पेपर को भी सर्च करना है। अब देखिए मुझे ये एक फिक्र है, थ्री पार्ट्स हैं करने होते हैं, वंस मोर जी नेट का आ गया इशू। आई आवाज फिर आ गया, ठीक है बच्चा। अब इसी तरह मेरे पास ये फिक्र है, ये हर बार आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्र है, ये वाला फिक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, नज़र आ रहा है सबको? ये फिक्रा हर बार एग्जाम में आता होता है, चेंज करके दे देते हैं। अच्छा जी, अब देखिए इसमें आया द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर रीच, डॉक्टर के आने से पहले जो है पेशेंट मर चुका था। अभी मैंने आपको इसकी हिंट दी है, अब चाहे वो पहले वाले में दें या आखिर वाले में दें। ये मेरे पास जो दूसरा फिक्र है, ये किस टेंस में रीच लिखा हुआ है, ये है पास इनडेफिनेट टेंस में, ठीक है। ये लिखा हुआ पास इनडेफिनेट टेंस में, तो अब जी ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसको मैं किस में चेंज करूँ, कोई मुझे बता सकता है? मैंने भी बताया कि अगर आपको एक फिक्र पास इनडेफिनेट टेंस में हो, चाहे वो शुरू में हो चाहे वो आखिर में हो, तो दूसरे फिक्रे को हम किस में चेंज करते हैं, पास परफेक्ट टेंस में। तो इसका क्या आएगा सोल्यूशन, जल्दी से मुझे करके बताएं क्या आएगा इधर। इधर क्या आएगा बताया मुझे जल्दी। पास परफेक्ट हो है, चेंज करना है इसको, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, देखिए सिंपल। मैं यहाँ पे लिखूँगा द पेशेंट हैड डाइड, हैड लगाना है, बाकी सारा फिक्र वैसे ही आएगा, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, ठीक है। अब याद रखिए, अगर एक फिक्र आपका पास इंडेफिनेट टेंस में हो, तो दूसरे को आपने जो है पास परफेक्ट में चेंज करना है, और पास परफेक्ट में हैड के साथ जो है याद रखिए क्या यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लास्ट। आई सेंड हिम अ लेटर लास्ट वीक, मैंने उसे पिछले हफ्ते जो है ख़त भेजा। लास्ट वीक सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी पहचान किस चीज़ की है, ये जो लास्ट लास्ट वीक आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट जो है मंथ आ जाए, ये पहचान है बच्चों पास्ट इंडेफिनेट टेंस की। तो सिंपल मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर लिखना है आई, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में लगता है सेकंड फॉर्म, आई सेंट हिम अ लेटर लास्ट वीक, बड़ा सिंपल सा है ये, बस। अब देखें यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ये मैं कराऊंगा, बाकी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, टेंस को देख लें। एक और मैं करवा देता हूँ,
वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो एक गाने को मूड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर द सी पॉट एंड पेन कहाँ गया है उसके बाद तो यहाँ तक तेरा सर जो सलाम जनाब करेक्शन क्लियर होगी आप लोगों को। अच्छा एक आर्टिकल्स वाला भी है वो भी देख लें, आप लोग आर्टिकल्स वाला भी करवा देता हूँ, ये भी देख लें, सारे मेन मेन चीज़ कराता हूँ उसके बाद आपको समझ आ जाए। हमारे पास जो आर्टिकल्स होते हैं बच्चे वो ए होता है, एन होता है और द होता है, ठीक है, ये तीन ही होते हैं बस। अब ये मेरे पास फिलिंग दी ब्लैंक्स आया है, इट इज़ डैश एंड वेल, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है इसमें क्या लगना है, जल्दी फटाफट। उसके बाद है विल यू टेक डैश कप, ठीक है। उसके बाद है ही इज़ डैश एल एल बी और फोर ही इज़ इन डैश आर्मी, जरा फटाफट बता, फर्स्ट में एन आना है, ठीक है, और फाइव में मेरे पास है शी सा डैश एक्सीडेंट टुडे। हाँ जी, पहले में आपके पास एन आना है क्योंकि इसके साथ वोवल वर्ड्स आपको याद है ना, हमारे पास पांच होते हैं ओ आई ई, और उसके बाद हमारे पास होता है पांच वर्ड्स होते हैं आपके, वो आप लोगों ने इसके हिसाब से इसमें, हाँ जी इसमें एन आना है। विल यू टेक कप, आपको पता है वोवल वर्ड्स में सी नहीं आना, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, ए लगाओगे, पाँच में बी, ठीक है ठीक है। तीसरे में ये एल एल बी के साथ एन आना, अब बच्चे यहाँ कहेंगे कि एल एल बी के साथ एन क्यों आना, अगर इंग्लिश में, ठीक है इंग्लिश में आपका एल एल बी है, ठीक है, लेकिन उर्दू में लिखते हुए एलिफाई तो उसके साथ भी एन लगाना है, ठीक है याद रखें। एल एल बी को आप ऐसे लिखते हैं ना एल एल बी, ठीक है, इसके आखिर में एलिफ आ रहा है तो उसके साथ भी आप लोगों ने एन लगाना है, ठीक है। और याद रखें फ़र्ज़ करें ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ भी हम एन लगाते हैं, इसके साथ एन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम उर्दू में इसको लिखते हैं तो ईमानदारी होता है, और ईमानदारी में पहला वर्ड क्या आ रहा है, एलिफ, तो जो वर्ड उर्दू में हम लिखते हुए एलिफ से स्टार्ट हो उसके साथ भी आप लोगों ने एन लगाना है, ठीक है। और ये है ही इज़ इन डैश आर्मी, इन आर्मी में नहीं आएगा, इसमें सिंपल आपने दा लगाना है, याद रखें। शी सॉ डैश एक्सीडेंट टुडे, उसने आज एक हादसा देखा, अब यहाँ पर एक वोवल वर्ड्स है तो ये एन है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, पांच नंबर तो मुफ्त हैं, वो जो मर्ज़ी आपको दे दें, एन एन द, अच्छा एक मिनट आ रहे हो, दूसरे में एन एन द एन, करेक्ट, दूसरे में ए आना है, हो गया। अच्छा ये सबको क्लियर हो गया, अगर सुपर टाइम हो फिर एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं ज़रा डू एस डायरेक्टर बता दूँ, आर्मी वाला बताएं फिर से, बच्चा देखें ही इज़ इन डैश आर्मी, वो आर्मी में है, इसमें इन नहीं, इसमें दा यूज़ होना आपका, क्योंकि आर्मी एक ख़ास वर्ड के लिए यूज़ हो है, फौज, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने दा लगाया, ठीक है। अच्छा जी मूड की तरफ आते हैं, मूड का एक आपको लाजमी देना होता है, मूड 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 को ढूंढते हैं, ठहर जाए मूड में अगर मिल जाता है तो ठीक है, ये भी हो गया मूड का, एक मैं आपको बता दूं कि मूड क्या होता है,
खैर जरा वेट कर दूँ, जरा 153 ये मिल गया। ये है बच्चों मोड में, दरअसल आप लोगों ने बताना होता है कि इसमें कौन कौन सी टाइप है, बड़ी ज़्यादा आसान है भाई बताने लगाऊँ। देखिए जी, मोड इज़ द मोड और मैंने इन विच द एक्शन रिलेटेड बाय द वर्ड। मोड असल में क्या होता है, कोई एक्शन होता है क्योंकि इसका एक फिक्र वो लाजमी देते हैं। मैं सिर्फ इस पर पहचान पाऊँगा, बाकी आपको सॉल्व कर लेंगे इसको। कि मोड में ऐसा एक मैनर होता है जिसमें हम एक्शन क्या कर रहा होता है वर्ड वो बताना होता है। जैसे आपने सब्जेक्ट पढ़ा उसमें टाइप्स होती है, इंपेरेटिव की होती है, इंटरोगेटिव होता है, और उसमें जो पॉजिटिव होता है सेम मोड का भी कुछ ऐसे ही होता है। अब मेरे पास पहला जो है ये मेरे पास टाइप है, तीन टाइप हैं इसकी, ठीक है। मोड की आपकी थ्री टाइप्स है, एक इंडिकेटिव है, इंपेरेटिव है और सब्जेक्टिव है। देख लें, गौर से देखें। पहला लिखा हुआ इंडिकेटिव मोड क्या होता है, इट इज़ यूज टू गिव अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से मुराद है कोई भी बयान देने के लिए, ऑफेक्ट हकीकत का, कोई भी बयान हकीकत का देने के लिए हम इंडिकेटिव मोड को इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, अहमद वाज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज व्हेन आई जॉइन इट। अहमद जो है वो कॉलेज का प्रिंसिपल था जब मैंने इसको ज्वाइन किया। तो एक बयान कर रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है। तो अगर आपको इस तरह का कोई फिक्रा दे देते तो हमने इसको चूज़ करना है कि कौन सा इंडिकेटिव। सिंपल सी बात है, अब इंडिकेटिव में कौन कौन से आते हैं वो आपको बता देना क्या। उसके बाद है कि द लेपर्ड रन्स फास्टर दैन एनी एनिमल, जो लेपर्ड है वो किसी भी जानवर से तेज़ भागता है, ये हकीकत है। या तो फिक्रा में कुछ सादा बयान होगा, ठीक है, या कोई हकीकत होगी। हमें पता है कि लेपर्ड किसी भी एनिमल से तेज़ भागता है, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक फिक्रा ऐसा है जो कि हकीकत पे है। आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली, मैं जो है डेली एक्सरसाइज नहीं करता, यानी एक सादा फिक्रा, सिंपल है। इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। या इंडिकेटिव मोड में आपसे सवालात भी पूछे जा सकते हैं, व्हाई कैन यू नॉट अंडरस्टैंड माय लेक्चर, कि तुम्हें मेरे लेक्चर की समझ क्यों नहीं आती, आर यू इल, या तुम बीमार हो। यानी सिंपल फिक्रे या ऐसे फिक्रे जो कि सच्चाई पर मुंबई हो वो इंडिकेटिव मोड में आता है। अगर सवाल भी पूछा जाए तो वो भी इंडिकेटिव मोड में आता है, ठीक है। कंडीशनल, कंडीशन से मुराद है अगर, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करता है, ही विल गेट गुड मार्क्स, तो वो अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। इफ़ प्राइसेस इन राइजेस, अगर कीमतें बढ़ जाएं, आई विल नॉट एबल टू बाय अ कार, तो मैं गाड़ी खरीदने के काबिल नहीं होगा। तो इससे क्या जाहिर हुआ, इंडिकेटिव मूड में तीन चीज़ें आती है, सवालिया भी फिक्रा हो तो वह इंडिकेटिव मूड होगा, अगर शर्तिया फिक्रे हो जिसमें इफ़ लगा हो तो वो भी इंडिकेटिव मूड होगा, और अगर सादा फिक्र हो जैसे कि बताया ये आई डू नॉट टेक अ डेली एक्सरसाइज, ये भी आपका इंडिकेटिव मूड है। और अगर कोई हकीकत है जैसे कि यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी इंडिकेटिव मूड है। तो यहाँ सब बच्चों को, स्टूडेंट को क्लियर हो गया तो मुझे बता दें जल्दी, क्विकली काम करें, फिर मैं आपको बताऊं कि इसकी क्या पहचान है। क्लियर है, क्लियर है तो बता दें। उसके बाद आगे मेरे पास आता है इंपेरेटिव है। एक तो ये फिक्रा उसने लाजमी दिया होता आपको मोड में से, ना एक फिक्रा लाजमी दिया होता है जी। ये कौन है, वनीद भट्ट, अच्छा क्लियर है। इंपेरेटिव मूड बच्चों क्या होता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, इसमें कमांड होता है, कमांड से मुरादा हुक्म, ठीक है, रिक्वेस्ट से मुरादा दरख्वास्त हो सकता है फिक्रा, एडवाइस से मुरादा नसीहत, सजेशन से मुरादा तजवीज़ देना, ठीक है, एक्सोरोटेशन से मुरादा ये वार्निंग का मतलब होता है तंबिया करना, मना करना, ठीक है। और उसके बाद है कि एंटेरिटी, सीरियस एंड इमोशनल रिक्वेस्ट या प्रेयर, ये सारे जो है आप लोगों ने किस में किए हैं, ये आप लोगों ने किए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपेरेटिव मोड, ठीक है। अब देखें, प्लीज़ डू मी आ फेवर, बराए मेहरबानी मेरे जो है मदद करें या मुझे फेवर में दे, तो ये कौन सा फिक्र है, प्लीज़ रिक्वेस्ट वाला, ठीक है। वर्क हार्ड, मेहनत करो, ये आपको एडवाइस कर रहा है। लेट अस जॉय विद द वेदर, आओ जो है मौसम का मज़ा ले, ये आपका क्या है, सजेशन, ठीक है। हैव मर्सी अपॉन अस, मेरे ऊपर जो है रहम करो, ये फिक्रा आपका आ जाएगा प्रेयर में, दुआ कर रहे हो आप, ठीक है। इसमें वैसे विश में भी आता है, कम फास्ट, जल्दी आओ, ये हो गया कमांड्स। तो ये सारे फिक्रे अगर आते हैं और आपसे कहते हैं कौन सा है, तो आपने सिर्फ लिखना है कि ये इंपेरेटिव मूड है, चाहे कोई भी हो, कमांड्स हो, ठीक है, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, एक्सोरिटेशन हो, ठीक है, इंटेरेसी हो, ये सारे आपके किस में आते हैं, इंपेरेटिव मूड में। मैंने आपको एक दे दिया, मैं अभी आपको इसकी एग्जाम्पल भी दे दूँगा। क्लियर है, सबको क्लियर है। अच्छा, इसका इंडिकेटिव का जो दूसरा नाम है ना, ये भी आप लिख लें अगर आ जाएँ, इसका दूसरा नाम है एसरेटेटिव, यानी
यही है, ये लिखने या ये लिखने एक ही बात है, ठीक है। ये मैंने बता दी इंपेरेटिव मूड कौन से होते हैं। अच्छा जी, अब आगे इतनी एग्जांपल्स करने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्टिव मूड क्या होते हैं? इट डज नॉट एग्जिस्ट फ्रिक्वेंटली इन मॉडर्न इंग्लिश। इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश में इसका कोई नहीं है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस विशेज़ है, असल में ख्वाहिशात, ठीक है। रिकमेंडेशंस राय देना, रिक्वायरमेंट्स ज़रूरियात, ठीक है। कंडीशन शराइत, ये सब आपके सब्जेक्टिव मूड में इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो ये कम आता है, ज़्यादातर दो ही आते हैं, जैसे कि अमेरिकन एंड ईरान कैन हैव बेटर जो है टाइट्स, ठीक है, बटर टाइट्स हो सकते हैं, सिंपल है ये। आई विश आई कुड विन द मैच, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मैच जीत जाऊँ, ये आपका सब्जेक्टिव मूड है। ही हैज़ टू रिस्पेक्ट हिज सीनियर, उसे अपनी जो है सीनियर की जो है क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट। अब ये आप क्या दे रहे हो, उसको रिकमेंडेशन दे रहे हो। गॉड हैव मर्सी ऑन अस, खुदा उसके ऊपर रहम करें, तो ये आपका सब्जेक्टिव मूड है। तो उसके बाद ये सारे सिंपल हैं मेरे ख्याल से, तीन टाइप्स है और तीनों टाइप्स का मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको फिक्रे देने लगा हूँ, ज़रा देखूँ ये आपको जो एग्ज़ाम्स में आने ना, डू एज डायरेक्टेड, ये वो चीज़ें हैं, उसमें से एक फिक्रा लाजमी है। एक फिक्रा है टू एरर इज़ ह्यूमन, मुझे आप बताएं कि ये जो है कौन सा मूड है। इसमें आपको लिखा जाएगा पिक आउट मूड, मूड की टाइप बताएं जल्दी। यह जो मूड मैंने करवा दिया आपको, मूड की टाइप बताएं। जल्दी इंडिकेटिव, गुड, ठीक है। इसके बाद है अच्छा जी सारा शहजादी, गुड, ठीक है। अगर आप ये शुरू में क्लास में रहते हो, ऑनलाइन को ज्वाइन कर लेते तो इतना मसला नहीं होता था आप लोगों को। खैर अब जो भी टाइम है हो रहा वो कर लें आप। अच्छा ये बच्चा ये कौन सा है, ये कौन सा है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, हाँ जी ये कौन सा है, ये कौन सा मूड है। इसमें अब देखते हैं और कौन सा आया हुआ है। और ये वाला ही बताया मुझे, आई विश ही वर माई टीचर, ये कौन सा है, इंडिकेटिव। अच्छा जी दूसरा भी इंडिकेटिव है, सब्जेक्टिव, गुड, ठीक है। ठीक है आगे क्लियर हो गया मूड, सबको क्लियर है, मूड सबको क्लियर है तो बता दें। चलो बच्चे ये तो आपको हो गया, मैं अब आपको ज़रा प्रेस का बता दूँ। ये लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी सी छोटी है और एग्जैक्टिव की डिग्रियां भी कर लेना, आसान पेपर आता मुश्किल नहीं आता।
बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी गुड, क्लियर हो गया। अब आपको जब एग्ज़ाम्स में आएगा तो आपको पता होगा। ठीक है क्लियर हो गया। चले मूड कह रहा है ये प्रैक्टिस चलती है, इंशाल्लाह सुबह भी होगा। अभी मैं आपको ना प्रेसी का प्लान लगाऊँ टाइम ताकि आ जाए। जी सर प्रेस ही करवा दें। जी प्रेस ही पे आ जाए ज़रा। ये मेरे पास एक दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 20 नंबर आपके फ्री के हैं, एसएस में इतने नंबर नहीं बनेंगे, लेकिन आप को बाकी जो छोटी चीज़ें हमारे पास रह गए डायरेक्ट इन डायरेक्ट है और छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो मैं बता दूंगा। अभी काफ़ी टाइम है, सुबह आपका हो जाएगा, फ्रेश फ्रेश है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। रात को मैं सेंड करूँगा वो आपके डायरेक्ट इन डायरेक्ट के कुछ फिक्रात और कुछ ऐसी चीज़ें, इस तरह भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जिनका नंबर मेरे पास है उनको मिल जाएगा, जिनका नहीं है तो कोशिश यही है कि जल्दी करा दूँ। ठीक है ठीक है। ये देखो बच्चों प्रेस में मुझे पैराग्राफ दिया हुआ है। वैसे तो बास का तो वर्ड्स लिखे होते हैं, अगर लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे खैर है। आपने जब प्रेसी ना आपने लास्ट में करनी है, प्रेसी आप लोगों ने लास्ट में करनी है। उसमें यह है कि आपने सारे एक दफ़ा प्रेसी को दो दफ़ा प्रेसी गौर से पढ़ना है। जो प्रेसी आपको दी है ना उसको आपने गौर से पढ़ना है। आपका टाइटल जो है ना इसी के अंदर छुपा होता है। ठीक है, आपका जो टाइटल होता है वो इसी के अंदर छुपा होता है, कोई नई चीज़ नहीं होती। और जो जिसने मुझे क्वेश्चन दिए थे वो सारे इसके अंदर मिल जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे नंबर चाहिए नोट्स के लिए आपको। ठीक है, हमने क्या करना है, जब आप दो दफ़ा पढ़ने के आपको समझ आ जाएगी क्योंकि पैराग्राफ आसान देते हैं, उसके बाद आप लोगों ने बच्चों क्या करना है वर्ड्स को गिनना है। यानी ये द एक वर्ड्स है, मेन आपका एक वर्ड्स है, रीज़न आपका एक वर्ड है, फोर आपका एक वर्ड है। बाज़ बच्चे करते हैं स्पेलिंग को नहीं गिनना, वर्ड्स है। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, क्लियर हो गया। तो ये एक एक वर्ड्स को आपने गिनना है। अगर तो उसने लिखा हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा हुआ तो हम उसको गिनेंगे। अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये 100 वर्ड आ गए, आपके प्रेसी के जितने मर्जी वर्ड है उसका आप लोगों ने 1/3 करना है। क्या करना है? 1/3, ठीक है। क्या करना है? 1/3 करना है। अब मैं आपको तरीका बताऊँगा, सबसे पहले जो जैनवा तरीका वो बताने वाला हूँ। तो 33 आपके आ रहे हैं वर्ड्स, इसका पता क्या मतलब होता है? ये जो इतनी सारी प्रेसी है ना, इस सब के आपने क्या करना है, छोटा करके आपने लाइन बननी चाहिए, दो या तीन लाइनें, और उसमें 33 अल्फाज हों। बस कितने हों? 33 अल्फाज हों, ठीक है। अब देखिए प्रेसी को आपने पढ़ लिया, सबसे पहले क्या, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज़, आबादी बढ़ने की क्या वजूहत है, ये आपको ऊपर ही मिल गया। आपने सुपर ये लिख देना, द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज़ डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया आपने, क्लियर हो गया। उसके बाद व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम, क्या अहमियत है पर कैपिटा इनकम की। अब यहाँ पर उसने सिंपल यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका आता है यहाँ पे, आपने लिखना है द सिग्निफिकेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम इज डैट टू शो द रेयर पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान इज़ वेरी लो विच शोज डैट कंट्रीज आर पॉपुलेटेड, जो ये बताता है कि आपकी मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है। बस इसी के अंदर आपको आंसर मिल जाएंगे और नंबर मिल जाएंगे। हाउ डज आवर पॉपुलेटेड इफेक्ट पीपल, कैसे जो है बढ़ती हुई आबादी लोगों को अफेक्ट करती है बड़ी ज़्यादा। आपने कहना है सिंपल, ड्यू टू हैवी प्रेशर पॉपुलेशन पीपल आर अनएबल टू ऑब्टेन बैलेंस डाइट, लोगों को खुराक अच्छी नहीं मिलती। ये क्या है, रुकी रही नहीं, इम्पोर्टेंट ऐसे बता दें प्लीज़, बता दी है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेक प्रेसी ऑफ द पैसेज एंड गिव इट सूटेबल टाइटल। असल बात में ये मसला होता है प्रेसी के बाद, यहाँ से बच्चे परेशान थे। टाइटल आप कोई भी दे सकते हैं, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि द, देखिए पॉपुलेशन के बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ आवर पॉपुलेटेड, ठीक है, बढ़ती हुई आबादी के जो है मसाइल। यहाँ आप लिख सकते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ
ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी की वजह से क्या नुकसान होते हैं। इसी पैरा के अंदर से आपको टाइटल मिलेगा और कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब बाहर से कुछ नहीं होगा, अंदर से सब कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद पैसेज है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे 33 वर्ड्स नहीं आ रहे बनाने, अब बाद बच्चों को समझ नहीं आ रही कि 33 वर्ड्स कैसे बनाने, तो उसका आसान तरीका क्या है, आपके इस प्रेसी के अंदर कोई से जो तीन मेन पैरा वर्ड्स है ना लाइन, जैसे कि मैं कहता हूँ सबसे ये मेन है, द मेन रीज़न ऑफ द पॉपुलेशन इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। असल में प्रेसी में नंबर उसको दिए जाते हैं जो अपने अल्फाज में लिखता है, ठीक है। आपने इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देना है, ठीक है। मैं जैसे कि द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज इन द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट, आप कर सकते हैं, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ मैं कहूँगा कि बर्थ रेट चेंज करके बर्थ रेट एंड डेट रेट आर द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है। थोड़ा सा अपने अल्फाज में चेंज करना है। यहाँ पर उसने क्या लिखा, द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज इज द, आपने डायरेक्ट कॉपी नहीं करना, थोड़ा सा अपने अल्फाज में चेंज कर लें, यानी इस पैरे से आप सिर्फ तीन लाइनें उठा लें। उसके बाद मैं लिखता हूँ कि ठीक है, ये देखिए, द रेयर और पर कैपिटा इनकम इज पाकिस्तान इज़ वेरी लो विच शोज द कंट्रीज ओवर पॉपुलेटेड। आप ये लाइन लिखते, तीन लाइनों में करना ना, एक लाइन ये होगी इसी के अंदर, लादा लादा नहीं करना, पर कैपिटा इनकम शो डैट हाउ कंट्री इज़ ओवर पॉपुलेटेड। थोड़ा सा आप अपने अल्फाज में चेंज कर लें तो आपको नंबर दे देगा, सिंपल सी। उसके बाद दो लाइनें होंगी है। अब अगर मैं इसका वर्ड गिनूँ कितने बनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, इक्कीस हो गए। देखिए मैंने तुक्के से किए हैं तो इक्कीस बन गया, तैंतीस बन जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे एक और लिख लें, ये ड्यू टू हैवी प्रेशर ग्रुप, यानी इसमें से जो आपको मेन लाइन लिखती है बस वो लिखते हैं। आप यहाँ लिखते हैं ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, उसने प्रेशर लिखा ना, मैं पॉपुलेशन लिखता हूँ, ठीक है। देयर आर मैनी, इसके बाद देयर आर मैनी, यहाँ पे लिख लें देयर आर मैनी डिसएडवांटेज दिस इंक्रीज ड्यू टू, ये मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। ड्यू टू आवर पॉपुलेशन देयर आर मैनी डिसएडवांटेज इंक्रीज, बस ये आपकी लाइन पूरी होगी। बस ये प्रेसी बन की, तो इसमें कौन सा मुश्किल है सर, अगर दो प्रेसी वाले क्वेश्चन करें तो कोई इशू नहीं। ये देख लें, आपको अभी तक तो पैटर्न का पता नहीं चला, ये सेक्शन बी में लिखा हुआ है कि आपने एक ये सवाल है, एक ये सवाल है और एक ऐसे का सवाल है, तीन सवाल दिए हैं, इन तीनों में से आपकी मर्जी है कि आपने कोई से दो कर लेने हैं। ये ऐसे करना लाजमी नहीं है, ऐसे करना लाजमी नहीं है, ठीक है। आपने इन तीनों में से कोई से दो करने, अक्सर बच्चे करते हैं क्वेश्चन प्रेसी का आना ही आना, एक ये करते हैं और साथ प्रेसी का पैराग्राफ करते हैं, बस ऐसे करना ज़रूरी नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। जिनको पैराग्राफ नहीं आता वो ऐसे करते हैं, जिनको ऐसे नहीं आता वो पैराग्राफ करते हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप लोग जो है क्या करें, प्रेसी का सवाल करें और प्रेसी के जो है ये पैराग्राफ करें, बड़ा आसान है। फिर बताता हूँ क्या करना है, आप लोगों ने प्रेसी को दो दफ़ा पढ़ना है, इसके आंसर आपको अंदर से ही मिल जाएंगे, ठीक है। और याद रखें, अगर तो आपको क्वेश्चन जो है वो टेंस में पास्ट में है तो पास्ट में आंसर दे, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में दे, टाइटल भी आपको अंदर से ही मिल जाएगा, ये मैंने जैसे बना के दिखाया है, ठीक है। आप लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इसको आप लिख सकते हैं, नंबर मिल जाएंगे आपको। और अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपने क्या करना है, वर्ड्स गिनने हैं, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो भी आएंगे जितने मेरे वर्ड्स आएंगे, अपने पैरा में से कोई सी तीन लाइनें ले दें और उसको लिख लें, बस थोड़ा सा चेंज कर लें, आगे पीछे कर लें अपने अल्फाज में, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये 20 नंबर से कम 15 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो प्रेसी की समझ आ गई आप लोगों को, तो ये बहुत आसान है, क्वेश्चन निकल नीचे आंसर देने हैं, जी देना है, तो ये बड़ा ज़्यादा आसान काम है। ऐसे से बेहतर है, क्योंकि ऐसे आपको बहुत ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, इससे बेहतर ये है कि आप अपना ग्रामर में टाइम लगाएं और पैराग्राफ तो अनसीन आ दें, उसको पढ़ें और वहाँ से कर लें, आंसर आपको अंदर से मिलेंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं अंदर से। थोड़ा सा आपने गौर से पढ़ना है, और ये क्वेश्चन दो ही हैं, दो याद कर लें, एक मस्ट है, कन्फर्म आना है। तो मुझे बता दें कि प्रेसी आप सबको क्लियर हो गई है, अगर प्रेसी क्लियर हो गई तो मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको ग्रामर की।
अच्छा जी हाँ बट ओके हमजा हरीम ओके है ठीक है। तो अब हमारा क्या काम रह गया, हमारे पास रह गया एक्टिव पैसिव, तो वो सुबह इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है। अगली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगेन समझा दें अच्छा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ ठहरे दिन, जो इसमें है अच्छा ये जो है ना आपको दिया हुआ है सिंगुलर प्लूरल, ये आप लोगों ने नज़रें मार लेनी है। ये जो सिंगुलर प्लूरल ना इसको जस्ट आप लोगों ने रीड कर लेना, कुछ तो आपको आते होंगे पता भी है कैसे करने हैं, ये जस्ट आप इसको नज़रें मार लें क्योंकि इसमें से 5 नंबर के आ जाते हैं ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो करने हैं, ये वाले करने हैं आप लोगों ने, इसको ट्रीट कर लें बहुत ज़्यादा आसान है ठीक है। ये देख लें और ये वाले भी करने हैं, ये वाले भी करने हैं, ये पार्ट आ जाता है उनकी मर्जी होती है, ये वाले सारे आप लोगों ने करने हैं। आपकी बुक होगी आप लोगों के पास, ये बुक होगी आप उसमें से याद कर लें, उसके बाद ये वाले करने हैं कुछ तो 9-10 में किए हैं मैट्रिक में 8वीं 7वीं में, ये वही हैं सारे ठीक है। और ये थोड़े से ये आप लोगों ने जस्ट रीड करने हैं कि तो इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा जी उसके बाद ये नहीं करने है, आगे आ जाएं फॉरेन प्लूरल ये भी नहीं करना, ये हाँ जी मैस्कुलिन फेमिनाइन भी आते होते हैं देख लें, ये आपकी बुक में होंगे, इसको जस्ट रीड करना। आपको पता है कि सारी वो छोटी चीज़ें हैं बच्चों वाली वही देती हैं उन्होंने, और ये भी करना आपने ठीक है। ये सिंपल सिंपल है, जस्ट इसको पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, ये भी करना है आप लोगों ने ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं इसलिए ऐसी की जगह ना आप इस पर अपना टाइम लगाएं बजाय टाइम ज़ाया करने, ये भी करना है सारा करना आप लोगों ने ठीक है। और ये लास्ट पेज, ये जो फॉरेन वाले हैं ये नहीं करने आप लोगों ने, बाकी सारे करने हो गया। अब आते हैं आगे, फिर कह रहा हूँ जो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स बचे उसको मैंने निशान लगा दिए हैं, उसको आप लोगों ने याद करने हैं। मे भी 20 नंबर का है तो ये 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। और जो आपके सिनोनिमीज़ हैं एंटोनिमीज़ हैं ठीक है, अगर इसके पार्ट में आते हैं अगर आपको क्लियर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन इसका ये है कि आप लोगों को ना देखना पड़ेगा।